नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप जोशू हिंदी धोरण 8। आज आप एक निबंध लखीशू, कया विषय पर लखीशू तो के रक्षाबंधन। आप रक्षाबंधन विषय पर एक निबंध लखीशू। तमे बधा तमारी पाकीबुक काढ़ो अने अक्षर सरस करी अने मारी साथे लखवानू छे, बराबर। हमणाज रक्षाबंधन आवशे ने, हाँ, तो आपणे रक्षाबंधन विषेनो हिंदीमां निबंध लखीशुं। हम पहले उसका परिचय लिखेंगे। परिचय। त्योहार के बारे में प्रचलित मान्यताएं त्योहार का वर्णन वर्तमान रूप और लास्ट में महत्व। आपणे बंने अहींथी लखवानी शुरुआत करीशुं। रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्योहार है। रक्षाबंधन हमारे देश का प्रिय और पवित्र त्योहार है। प्रिय और पवित्र। सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल सावन महीने की, सावन यानी कि श्रावण, सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे, राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता, आत्मीयता जगाते हैं। पैराग्राफ पूरो, बीचो पैराग्राफ आपणे लखीशुं अहींथी। इस त्योहार के बारे में
કથાએ પ્રચલિત હે એક કથા કે અનુસાર એક કથા કે અનુસાર દેવરાજ ઇન્દ્ર કી પત્ની સચિને દેવરાજ ઇન્દ્ર કી પત્ની સચિને ઇસી દિન इसी दिन सभी देवताओं को सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस एकता के बल पर देवताओं ने इस एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। असुरों पर विजय पाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना की पूर्णाहुति करते थे। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। वे राजाओं की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें
आशीर्वाद देते थे। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था। इसीलिए इस त्योहार को बलेब भी कहते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। भाई प्यार से बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन के दिन में खो जाते हैं। घर घर में खुशियों के फूल महक उठते हैं। पर आज समय बदल गया है। आज समय
बदल गया है। राखियों में भी व्यवसायिकता आ गई है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती राखियां बनाई जाती है। रक्षाबंधन के त्योहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है न कीमती राखियों का प्रेम और स्नेहनु महत्व छे, परंतु कीमती એટલે કે તમે 200 ની કે 100 ની કે એવી રાખડી બાંધો તો પણ તમારા ભાઈનો પ્રેમ તમારા માટે ઓછો નથી, અને માત્ર તમે 5 કે 10 ની કઈ પણ રાખડી લઈને બાંધો તો પણ એ તમારા ભાઈ માટેનો પ્રેમ તમારો એટલો જ રહે છે। સચમુચ रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का एक सुंदर एवं पवित्र पर्व है। રક્ષાબંધનનો નિબંધ આપણે પૂર્ણ થઈ ગયો। બધાએ સરસ અક્ષરે લખવાનો છે અને સાથે પાકો પણ કરવાનો છે, બરોબર ને? સમજાઈ ગયું બધાને? લખતું જવાનું, વાંચતું જવાનું અને સાથે સાથે પાકો કરતું જવાનું છે, જેથી કરીને આપણે પરીક્ષામાં પૂછાય તો આવડી જશે ને। સરસ, ચાલો નમસ્તે।